नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से K24 न्यूज में। मैं हूं पुष्कर राज। जैसे कि प्रदेश भर में 7 नवंबर को छात्र संघ चुनाव होने हैं, इलेक्शन के लिए कई संगठन के पदाधिकारी मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए नारायणगढ़ डिग्री कॉलेज सीमांत जिला पिथौरागढ़ डीडीहाट के नारायणगढ़ डिग्री कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या उनका 1 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या क्या उन्होंने काम किया और छात्रों के लिए क्या उपलब्धियां वो देकर जाएंगे, क्या सौगात देकर जाएंगे और पूरे साल भर उन्होंने क्या काम किया था, इस पर हम उनसे एक उनकी रिपोर्ट लेंगे। और प्रदेश भर में जितने भी छात्र हैं उनकी जो उन्होंने किया और वो जो आगे की प्लान करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे और छात्रों को बताएंगे। स्वागत है आपका K24। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं K24 का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे महाविद्यालय की जो भी हमने प्रयास किया, जो भी प्रबंध मुद्दों से आपने हमेशा सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत जी बहुत आभारी बहुत हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। अजय, आपको करीब करीब 1 साल होता है जब से आप छात्र संघ अध्यक्ष बने। आप NSY के हैं, यानी कि राष्ट्रीय छात्र संगठन के आप अध्यक्ष हैं। और आपने जो आपका जो कार्यकाल रहा 1 साल का, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा आपने उमदा काम किया, चाहे वो कॉलेज परिसर में बात करें हम, शौचालय की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की, उस पर भी आपने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। और आप DC से लेकर मुख्यमंत्री तक मिले हैं और आपने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। और आगे आपके सामने अब कौन सा प्रत्याशी, क्या कहते हैं कि ABB की तरफ से कौन सा प्रत्याशी होगा खड़ा, NSY की तरफ से कौन प्रत्याशी खड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका 1 साल का जो रिपोर्ट है वो मैं चाहूंगा कि आप 1 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाएं अजय। मैं आपको बताना चाहता हूँ K24 न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक K24 न्यूज चैनल को देखते हैं उनको बताना चाहता हूँ। जब से हमें निरंतर महाविद्यालय के हितों को देखते हुए, आने वाले बच्चों के हितों को देखते हुए, मैंने प्राथमिकता इन बच्चों के हितों को सर्वोच्च में रखते हुए, अपना हित में देखते हुए बच्चों के हितों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। मैं लगातार, जैसा कि आपने बताया भी, मैं DC से लेकर मुख्यमंत्री महोदय से मिला और मुझे काफी सफलता भी मिली। मेरी जब एक छात्र का चुनाव लड़ रहा था तो हमारे महाविद्यालय में एक गैदरिंग हुई थी, तो उसमें मैंने एक छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया था कि मैं महाविद्यालय में, अगर आप लोग मुझे सहयोग करते हैं, मुझे छात्र अध्यक्ष के रूप में मदद मिलते हैं, तो मैं इस महाविद्यालय को महिला जी शौचालय की बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पर हमने उसके लिए काम किया है। महिला शौचालय वहां पर मिलने पर अभी वर्तमान समय में कार्य प्रगति पर है, चल रहा है। और महिला शौचालय के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं छात्र अध्यक्ष बना तो पहली मांग शौचालय की थी, क्योंकि सीमांत का क्षेत्र है, शौचालय बहुत एक और जहाँ की सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हर घर नल जल, ऐसे तमाम योजनाएं चलती हैं, वहाँ शौचालय न होना कहीं ना कहीं महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ा गलत संदेश हमारे क्षेत्र में था। उसके लिए हमने काम किया और डीएम महोदय से मैंने मिलकर महाविद्यालय को एक शौचालय की सौगात दिलाई, इस पर अधिकार ये प्रगति पर है। और जी मैंने तब जब चुनाव में शासन का लड़ रहा था तो मैंने एक महिला छात्रावास के लिए मैंने बच्चों को आश्वस्त कराया था कि मैं महिला छात्रावास खोलूंगा, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार 3 बार संपर्क में रहा और महाविद्यालय में छात्रावास खुला है। उसके लिए मैं इसे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तम सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वह छात्रावास खुलने से हमारे महाविद्यालय को आने वाले जी समय में जी जैसे कि जी जी अजय काफी अजय जैसे कि आपने आपने मुख्यमंत्री जी की बात कही, तो मुख्यमंत्री जी खुद कॉलेज राजनीति से निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ABB के वो भी पदाधिकारी रहे हैं, वो छात्रों की समस्या बड़ी भांति समझते हैं। लेकिन आपका जो क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, सीमांत का क्षेत्र है, दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ऐसे में अजय, आपने जो कार्यकाल आपका रहा, आपका कार्यकाल विवादों में ज्यादा रहा, क्योंकि पर्सनली मैंने देखा कई बार आप धरना भी, आपने कॉलेज प्रशासन के साथ आपने धरना किया था, आपने DM, जैसे कि आपने बताया कि DM को आप लगातार लेटर लिखा करते थे, लगातार आपने BC से भी संपर्क किया, BC को भी आपने लेटरबाजी आपकी चलती रही। और जहां तक कॉलेज की बात हो तो कॉलेज प्रशासन को आप हमेशा, उनके साथ आपकी लेटरबाजी और धरना प्रदर्शन ये सब होता रहता था।
क्या आप कॉलेज के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए लड़ते थे, इसलिए ये जो प्रदर्शन होता था इसलिए होता था, या फिर इसके आगे कोई और मंशा था? बिल्कुल मैं जब से भी शासन अध्यक्ष के मैंने यहाँ पर मैं सुना, मैंने निरंतर छात्र जी हितों की बात की। अगर आप कह रहे हैं कि विवादों में रहना, मैं कहता हूँ कि जब से मैं अध्यक्ष बना तो मेरा प्राथमिकता मेरे महाविद्यालय में प्राथमिकता ना होकर मेरी प्राथमिकता बच्चों ने अगर मुझे चुनकर वहां पर भेजा है तो मैं बच्चों का हित करने के लिए अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ, मैं जी आंदोलन करता हूँ बच्चों के। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने महाविद्यालय में एक आंदोलन जी किया जिसमें महाविद्यालय का गणित और जी जिसके बहुत ही विज्ञान के शिक्षक में होने के कारण मैंने 3-4 दिन का वहां पर कर्नाटक सभी पदाधिकारियों के सहयोग से किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान के शिक्षक की नियुक्ति हो गई। जी अगर यह बच्चों की आवाज उठाना अगर गलत है तो यह जो लोग मुझसे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने महाविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की, आपकी छवि खराब हुई, तो मैं ये बिल्कुल निराधार बात है। क्योंकि अगर हम छात्र हितों की बात कर रहे हैं, हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अगर फिजिक्स का टीचर महाविद्यालय में ला रहे हैं तो मेरे को तो कहीं से भी नहीं लगता कि हमें गलत कर रहे हैं। अगर अपनी मांगों को जी मांगना छात्र की भूमिका नहीं है तो छात्रों की लिए चुना जाता है महाविद्यालय। जी बिल्कुल। अजय, हम बात करेंगे कि ये जो 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, तो आपके एनएसयूआई की तरफ से कौन प्रत्याशी है और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनएसयूआई सभी जितने भी पद होते हैं उनमें चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से जो मैंने काम किया है वो बच्चे उनके फलस्वरूप हमें उनका परिणाम मिलेगा। और एनएसयूआई इस बार भी क्लीन स्वीप करेगी, उस तरफा यहाँ पर हमें एनएसयूआई को यहाँ पर वोट मिलने जा रहे हैं। तो क्या एबीवी के छात्र क्या इतने कमजोर हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, जैसे कि प्रदेश में और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, जैसे कि आपने कहा कि लालसर लगाते हैं सिर्फ और कार्य नहीं करने देते हैं, ये भी आपने आपने कई बार इस बात को भी मुद्दा उठाया। क्या रहता है छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते, क्या कहना चाहेंगे आप एबीवी के छात्रों को? मैं बताना चाहता हूँ, एबीसी महाविद्यालय में बिल्कुल भी सक्रिय भूमिका में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है, क्योंकि चुनाव के समय जी पर लोग अपनी राजनीतिक रोशनियां फेंकने के लिए हमारे भोले भाले बच्चों को एक गुमराह करते हैं, उनको बरगला कर उनको चुनाव में लड़ाते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उनको अनुमोदक अनुमोदक तक का पता नहीं था, क्या प्रस्तावक होता है क्या अनुमोदक होता है, वो नॉमिनेशन करने आए उनको कुछ भी पता नहीं था। महाविद्यालय की जी मौजूद समस्याओं को उनकी जानकारी नहीं होती है, वो उनको एक बलि के बकरे के रूप में यूज करते हैं, तो जिसका परिणाम आप सभी ने देखा होगा कि हमने एक तरफा एबीवीपी को यहाँ महाविद्यालय में हराने का काम किया। जी बिल्कुल। अब मुद्दे क्या रहेंगे अजय इस बार के, क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि जो पिछले बार के मुद्दे थे, जिन मुद्दों के को लेकर आपने चुनाव लड़ा और जीते भी थे, और आपने उन मुद्दों को लेकर हमेशा, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपने डीएम से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक दौड़ लगाई और काफी मुद्दे आपने हल भी करवाए, जैसे उसमें पार्किंग का मुद्दा भी था। तो इस बार के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कॉलेज के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस समय एनएसयूआई चुनाव लड़ेगी? जो मैंने प्रयास किए थे, जो कई जो मैंने जितने भी वादे चुनाव के टाइम पे साक्षात्कारों से किए थे, उससे ज्यादा ही मैं कार्य महाविद्यालय के हितों में करने में सफल रहा, जिसमें एक एनएसएस की इकाई का गठन जो 14 वर्षों से हमारे महाविद्यालय में बंद पड़ी थी, हमने एनएसएस खोलने का काम किया। उसके साथ साथ जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, मैं जब छात्र संघ कार्यालय का वहां पर उद्घाटन किया था, उस दिन मैंने निर्धन कोष जो महाविद्यालय के पास होता है उसमें तो मैंने छात्र छात्राओं को 20 छात्र छात्राओं को लगभग हमने निर्धन कोष से उनकी आर्थिक मदद की थी। और हमने जैसे कई काम जो धरातल पर नहीं हुए, जिसमें से तो एक कार्य है जो ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हमारे महाविद्यालय के मुख्य प्रांगण में इंटरलॉक टाइल और गेट लगना है, वो काम धरातल में लेके आएंगे हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं। और जो महिला छात्रावास है इसकी डीपीआर बन रही है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसकी डीपीआर बन रही है और बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है। साथ ही ऐसी तमाम जो हाईटेक शौचालय हमारे महाविद्यालय में बनने जा रहे हैं वो धरातल में आएगा, क्योंकि 1 साल के समय में बहुत कम हमें समय मिल पाया, क्योंकि दिसंबर लास्ट में चुनाव हुए, उसके बाद जनवरी में पूरा महाविद्यालय बंद हो रखा। तो लगातार मैं जब से भी प्रयास किया हम सफल रहे, और जो हम धरातल में नहीं ला पाए हैं, दो तीन जी चीजें जी जो अजय धरातल में अजय आ गई। अजय आपके आप जी
आपके कॉलेज का अजय, अजय आपके कॉलेज जी, आपके कॉलेज के अजय इस समय जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे जो आपके थे उनको आपने रिजोल्व कर भी दिया है, अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग मैदान में उतरेंगे, और उन मुद्दों को आपको क्या लगता है कि NSY जीतती है तो उन मुद्दों को कितनी प्राथमिकता रखेगी, और जो छात्र आपके साथ है, जितने भी कॉलेज के छात्र हैं, वो NSY के साथ किस तरह शामिल हैं, और कितने कंधे से कंधा मिलाकर आपके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं इस समय कॉलेज में? जितने भी महाविद्यालय के हमारे छोटे भाई बहन हैं वो हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारा NSY यहाँ पर इस बार चुनाव जीतती है तो हम नए विषय खोलने का प्रयास करेंगे। मैंने धन सिंह रावत जी को यहाँ से लेकर भेजा, और कॉलेज स्तर से भी इसमें अभी प्रक्रिया चल रही है। नया विषय जैसे कि शारीरिक शिक्षा, एक नया विषय खोलने की पूरी संभावना है नए सत्र में। और NCC मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, NCC खोलने और शारीरिक शिक्षा अगर हमारे महाविद्यालय में खुलेगा तो निश्चित रूप से हमारे महाविद्यालय की छात्र संख्या बढ़ेगी, और महाविद्यालय के जो आसपास के जो भी क्षेत्र है उसका भी विकास होगा। क्योंकि शारीरिक शिक्षा हो के अभाव से हमारे महाविद्यालय के आसपास के क्षेत्र से लगे जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो पिथौरागढ़ स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ कैंपस बनने के कारण अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा खोले और NCC खुले। NCC खुलेगी तो निश्चित रूप में छात्र छात्राओं का हित होगा। और NCC मैं बताना भी चाहूंगा, NCC खोलने के लिए मैंने अजय भट्ट जी जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं उनको एक लेटर प्रेषित किया था, उनके माध्यम से मुझे लेटर भी प्राप्त हुआ है कि नए सत्र से, अप्रैल नए सत्र से महाविद्यालय में NCC भी खोल दी जाएगी। NCC के लिए भी मैं निरंतर प्रयास कर रहा था जी और अजय, अजय नए सत्र में अब हम पर्सनल आप पर आते हैं। जी जी अजय अजय अब हम आप पर आना चाहेंगे, क्योंकि आपका 1 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है, ठीक है? उस पर आपने कई कार्य भी किए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के और मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आपके जो इर्द गिर्द हैं सभी, नगर पालिका से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर सभी, डीडीहाट विधानसभा की बात करूं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी हैं। ऐसे में NSY के आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं, आपको कार्य करने में कोई कठिनाई आई? उन लोगों के साथ तालमेल मिलाने में आपका कैसा अनुभव रहा, जरा ये भी शेयर करें। और आने वाला जो बिल्कुल आपका अध्यक्ष बनेगा तो उसको कैसे कार्य करना चाहिए मिलकर, ये भी आप बताए। बिल्कुल, जब से मैं कार्यक्रम अध्यक्ष बना मैंने विपक्ष के सभी लोगों को यहाँ पर साधने का काम किया। मैंने उनके सहयोग से, क्योंकि सत्ता दल के लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो पाया। जैसे कि मैं जी छात्रावास की बात करूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं कहूंगा कि एक छात्रावास सीमा की करोड़ों का इसमें बजट लगेगा। इसके लिए मैं जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, बड़े भाई पूरी में छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं नारायण नगर, जो जी कि बुद्धिदानी है, उनका भी आभारी है क्योंकि उन्होंने मुझे देहरादून में उनके साथ 2 से 3 बार गया, मुख्यमंत्री जी से मिला। जब तीसरी बार मुख्यमंत्री जी का मौनी में दौरा हुआ तो मौनी में एकमात्र एक ऐसा शासन अध्यक्ष मैं था जो वहां पर मिल रहा था, क्योंकि अन्य लोगों को वहां पर मिलने की इजाजत नहीं थी। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने समय दिया था, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने समय दिया मुझे, और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा दी थी। ऐसे ही तमाम काम थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ जी महाविद्यालय के हमारे जो सत्ता दल के क्या लोग क्या अजय प्रभावित अजय अजय क्या क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र और आपका गृह क्षेत्र साथ होने का आपको लाभ मिला, या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कॉलेजों पर इसी दृष्टि से देखते हैं जिस तरह आपको देखा उन्होंने? ना, गृह क्षेत्र होने का निश्चित रूप से मुझे फायदा मिला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मैं मिला उन्होंने मुझे सकारात्मक जी सकारात्मक साक्षी दिया, क्योंकि मैंने महाविद्यालय के साथ साथ हमारे जो क्षेत्र क्षेत्र के मुद्दे थे वो भी मैंने उनसे सम्मत रहते थे, तो उन्होंने इनमें भी विचार किया। वहां मुख्यमंत्री कार्यालय के अन्य मुद्दों पर जो मैंने उनसे मांग रखी थी हमारे क्षेत्र के संबंध में, तो उनमें भी उनकी प्रतिक्रिया आई। चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि अब अजय अवस्थी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अजय अवस्थी को हम किस भूमिका में आगे देख पाएंगे? क्या कांग्रेस के किसी पदाधिकारी के तौर पर देख पाएंगे, या फिर किस कार्यकर्ता के हैसियत से हम अजय अवस्थी कब देख पाएंगे? अजय
संगठन मुझे जो भी जिम्मेदारी देगा हम संगठन के विरोध में, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा हम उसके बखूबी प्रयास करेंगे कि हम अच्छे खड़े कर पाए। और जो महाविद्यालय से हमने काम पे जो अभी धरातल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और धरातल में लाकर हम लोगों को एक वो सीमांत का क्षेत्र हमने देखा 40 वर्षों से इस महाविद्यालय में कोई विकास कार्य नहीं है जितने होने चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि जो आने वाले छात्र संघ हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे तालमेल सामंजस्य बैठाकर उनको इस महाविद्यालय के विकास की स्वर्णिम विकास की ओर ले जाने का। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, अब वो तो समय बताएगा क्योंकि राजनीति में हम किस रूप में हिस्सा लेते हैं वो समय बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आपने हमसे बात किया। तो ये थे NSOI के छात्र संघ अध्यक्ष, नारायण नगर डिग्री कॉलेज, जनपद पिथौरागढ़ के अजय अवस्थी। और अजय अवस्थी का 1 साल का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अजय अवस्थी ने अपनी रिपोर्ट पूरी सौंपी है और अजय अवस्थी पूरी तरह NSOI के कैंपेनिंग करेंगे। और 7 तारीख को, जैसे नवम्बर को डेट अनाउंस हो चुकी है, यहाँ पर चुनाव होगा। मैं छात्रों को बोलूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है, जिस पर आपको लगता है कि ये कार्य करेगा और महाविद्यालय के लिए जो कार्य करेगा, ऐसा कैंडिडेट आपने, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी, जो आने वाला फ्यूचर में आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जुमले। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।